खबर मुरादाबाद से, जहां आज आदर्श नगर कॉलोनी, भातू कॉलोनी सहित मुरादाबाद मंडल के सभी पांचों जनपदों की आबकारी टीमों द्वारा दबिश व छापेमारी की गई। आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद, संयुक्त आबकारी आयुक्त मेरस जोन व उप आबकारी आयुक्त मुरादाबाद प्रभार मुरादाबाद के निर्देशन में तथा महेंद्र पाल जिला आबकारी अधिकारी मुरादाबाद व गंगाराम सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन मुरादाबाद के नेतृत्व में मंगलवार को आदर्श नगर कॉलोनी मुरादाबाद में अवैध शराब के निर्माण विक्रय व तस्करी के विरुद्ध मुरादाबाद प्रभार के समस्त जिलों मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर व प्रवर्तन एक व दो के आबकारी निरीक्षकों, प्रधान आबकारी सिपाहियों की संयुक्त टीम बनाकर दबिश, तलाशी व पैदल गश्त की गई। शराब बनाने वाले माफियाओं ने दबिश के दौरान पूरी भातू कॉलोनी की घेराबंदी कर गलियों, मार्गों पर आबकारी निरीक्षक व सिपाहियों को तैनात किया गया। इस दौरान पूरी भातू कॉलोनी में अफरा तफरी का माहौल रहा तथा लोग रेलवे पटरियों पर भागने लगे। तलाशी में लगभग 3 लीटर अवैध शराब बरामद हुई तथा लगभग 1100 किलोग्राम लहर, 22 बिना चढ़ी भट्टियां व शराब बनाने के उपकरणों को मौके पर नष्ट किया गया व एक अभियोग पंजीकृत किया गया। दबिश टीम में जिला आबकारी अधिकारी मुरादाबाद, सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन मुरादाबाद, 14 आबकारी निरीक्षक व 8 प्रशिक्षु आबकारी निरीक्षक, 40 प्रधान आबकारी सिपाही शामिल रहे तथा 14 वाहनों का इस्तेमाल किया गया। लखन मेहता की रिपोर्ट। देखिए, आज आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश महोदय के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और संयुक्त आबकारी आयुक्त मेरठ जोन मेरठ, उप आबकारी आयुक्त मुरादाबाद प्रभार मुरादाबाद के निर्देशन में आज मुरादाबाद मंडल के सभी आबकारी जो स्टाफ की टीम, जिसमें सभी जिलों की टीम, आबकारी टीम द्वारा हमारे जो भातू कॉलोनी, जिसे आदर्श कॉलोनी भी कहते हैं, यहाँ पर दबिश दी गई। दबिश में यहाँ पर सभी जगहों पर सर्च किया गया और लगभग इसमें हमारे जो 75 कर्मचारी थे, 14 गाड़ियाँ थी और उसमें सर्च की गई, तो उसमें केवल 3 लीटर हमारी कच्ची शराब बरामद हुई। वो 22 जो भट्टियाँ थीं जो चढ़ी हुई नहीं थी वो नष्ट की गई। लगभग 1100 किलोग्राम लहर को नष्ट किया गया मौके पर। और ये हमारा जो अभियान है, वैसे विगत लगभग 1 महीने से लगातार चल रहा है और भातू कॉलोनी में लगातार दबिशें की जा रही हैं और आगे भी ये दबिश जारी रहेगी। थैंक यू।